राजस्थान में कोरोना वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पुलिस के सख्ती बरतने पर असर दिखने लगा और अजमेर सहित अन्य शहरों की सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। लॉकडाउन के दौरान आज स्वामी न्यूज फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शहर के अंदरूनी इलाके कच्ची बस्ती गुजर धरती नगरा धौलाबाटा चंद्रवरदाई नगर रामगंज के क्षेत्र का वीडियो दिखा रहे हैं। यह है जादूगर कच्ची बस्ती। यहाँ पर देखिए लॉकडाउन के दौरान लोग बाग अपने अपने घरों के बाहर बैठे हैं। ये देखिए जरूरी काम के लिए लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। मेरे सहयोगी सनी साजनानी एक्टिवा चलाते हुए और आपको शहर के अंदरूनी इलाकों की जानकारी देते हुए मैं पवन अटारिया। यह है शहर की निचली और कच्ची बस्ती गुजर धरती। यहाँ पर देखिए सब्जी वाले फल फ्रूट वाले सामान बेच रहे हैं। यह है लोहार बस्ती। बड़े ही गरीब तबके के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं मगर देखिए यहाँ भी सभी अपने अपने घरों पर हैं। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला हुआ है। लॉकडाउन की सभी पालना कर रहे हैं। देखिए दुकानें भी बंद हैं। यहाँ अलवर के थाने के स्टाफ श्रीमान सब इंस्पेक्टर दातार सिंह जी अपनी टीम के साथ ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल लॉकडाउन का सफल आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। हम बात करते हैं, ये अलवर गेट में नगरा क्षेत्र है जो अजमेर से नसीराबाद जाता है, तो लॉकडाउन को देखते हुए कुछ लोग बाग टू व्हीलर के ऊपर बिना काम के निकल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और जो सब्जी लेने के लिए आते हैं या दूध मेडिकल पे जो दवाई लेने आते हैं, इन लोगों को भी हिदायत की गई है कि आप पैदल आएं, नज़दीकी दुकान से अपना सामान खरीद के तुरंत अपने घर चले जाएँ। फालतू घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियाँ सील करा की जा रही है और लॉकडाउन की पूरी पालना कराई जा रही है। पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति है, लोग बाग घरों पर हैं, निकल कर देख रहे हैं। तो ये देखिए लॉकडाउन के दौरान फल फ्रूट की जो बिक्री है वह भी कम हो गई है। केले 30 है, अंगूर 50 है, संतरे 40 है, पपीते 40 है, सेब 80 है। तो लॉकडाउन के दौरान जो जरूरत के जो लोग जिनको फल फ्रूट चाहिए होते आते हैं और दिन से भी भाव कम है। अच्छा, क्या कारण है? कारण तो ये लॉकडाउन का ही है, बस कम चलता है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर राशन लेने वालों की कतार लगी हुई है। कुछ लोगों ने
सोशल डिस्टेंस की पालना की है तो कोई यहाँ पर अवहेलना करते नजर आया। भगवानगंज क्षेत्र, यहाँ राशन विक्रेता ने वैसे गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की, मगर कुछ लोग हैं जो अव्यवस्था फैला रहे थे। मगर ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ सांसी बस्ती, कंजर बस्ती, गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन सभी को राशन की ज़रूरत पड़ रही है ऐसी आपातकालीन स्थिति में। किस तरीके से राशन विक्रेता काम हो रहा है राशन बांटने का सर? मतलब अरे राशन कैसे बांटा जा रहा है, आपके रोजाना बांट रहे हो या टाइम पर, या राशन आ रहा है? सर राशन आ रहा है, रोजाना टाइम पर बांट रहे हैं सर, सुबह 9 बजे से। अभी मैंने देखा सोशल डिस्टेंस ही था, लोग पास पास में खड़े थे। सर वो सोशल डिस्टेंस सर, वो भीड़ हो जाती है एकदम से, बाकी वैसे दूर दूर ही कर रखा है सर, गोले बना रखे सर, गोले में खड़ा कर रखा है। उनका मोबाइल किसी को जैसे नंबर देखना नहीं आता ना, तो वो दूसरे को दिखाते हैं, उस वजह से भीड़ हो जाती है सर। राशन बांटने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है? सर किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। अच्छा, अभी क्या नए आदेश है जिसके राशन आपके अलॉट यानी कि जो रजिस्टर्ड हो रखा है राशन लेने के लिए, उनके अलावा जिसके पास राशन है सबको राशन दिया जा रहा है? नहीं, जो खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए? नहीं सर, जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए केवल उन्हीं को राशन दिया जा रहा है, जो बीपीएल हैं, अंत्योदय हैं और जेएनएसएफ हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। नहीं, सरकार के ऐसे भी तो आदेश है जिसके राशन कार्ड है वो उन सबको मिलेगा सब? नहीं सर, अभी हमारे पास तो ऐसे कोई आदेश नहीं है। किसी प्रकार की समस्या आ रही है? नहीं सर। कितना कैसे हिसाब से बांट रहे हो आप सर? वो अभी तो वही बांट